चर कुताए। जनाब, जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था, वो यालाकोबा की तरफ जा रहे हैं। बुरहान उनके पीछे गया है। हम वहां जाएंगे। चलिए आ जाइए। सिपाहियों, अपनी आंखें खुली रखना, हमें किसी भी वक्त खबर मिल सकती है। मैं कोई गलती नहीं चाहती। आसपास के कबाइल से कहो कि दस्तों की तादाद में इजाफा करें। तदबीर हमारी, तकदीर अल्लाह के हवाले, यानी शहर हमारी अमानत है। चलो सब अपने फर्ज को सर अंजाम दें। जो हुकुम मलून खातून। कुमराल अब्दाल, क्या आप तैयार हैं? शफा खाने तैयार हैं, और आपके हुक्म पर हम सब लोग भी तैयार हैं मलून खातून। इंशाअल्लाह हमें इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन तदबीर अख्तियार करना अच्छा है। अल्लाह उनकी हिफाजत करे और जालिमों को दूर कर दे। आमीन इंशाअल्लाह। मैं भी दुआ करूंगी कि मेरे बाबा और उनके सिपाही सही सलामत वापस आ जाएं। बिल्कुल प्यारी बेटी, आपको करनी चाहिए, बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। ए अल्लाह, मेरे बाबा उस्मान साहब की हिफाजत फरमा, मेरे भाइयों और सिपाहियों की हिफाजत फरमा, और तू उन सबको कुव्वत दे, दुश्मन के खिलाफ वो फतह याब हों। मेरे बाबा और उनके सिपाही सही सलामत वापस आ जाएं, तमाम दुश्मनों को सजा देने में कामयाब हो जाएं। आमीन 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 आमीन। ठीक कहा मेरी प्यारी बेटी। क्या सिपाही तैयार हैं बोरा? सब तैयार हैं मेरे सरदार, सिर्फ आपके हुक्म के मुंतजर हैं। क्या हो रहा है कमांडर मजालून? उस्मान ने हम पर हमला किया और सारा दस्ता तबाह हो गया। उस्मान, मैं उसे खून में गर्क कर दूंगा। ये कैसे हुआ? वो हमें नजर नहीं आए, वो चारों तरफ थे, हम दिफा नहीं कर सके अपना। तुम दोनों वहां से कैसे निकले? उस्मान ने इन्हें इस्तेमाल किया ताकि ये जान सके कि हम कहां हैं। उस्मान यहां है। सिपाहियों को तैयार करो, हम उन्हें उनके खून में गर्क कर देंगे। आ जाओ तकफूर। हाँ, ये तुम्हारी आखिरी जंग होगी। इस जंग से फतह हासिल करके
हम एक अजीम रियासत बनाएंगे। मैं कसम खाता हूं उसके बाद भी हम ऐसे तुम लोगों का पीछा जरूर करते रहेंगे। उस्मान यहां है, आपका क्या हुक्म है आफंदी? सिपाहियों अपनी जगह संभालो। उस्मान हमारा क्या बिगाड़ सकता है कमांडर? तुम उस्मान को बिल्कुल नहीं जानते कमांडर। मुझे यकीन है कि मगरब से आने वाली फौज ने भी यही सोचा होगा। मैं तकबर नहीं चाहता, फतह चाहता हूं। क्या उस्मान वाकई हम पर हमला करेगा? उस्मान पागल नहीं है, वो बगैर तैयारी के हमला नहीं करेगा। लेकिन मैं भी पागल नहीं हूं, मैं एहतियात से काम करूंगा। मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। चलो आ जाओ तकफूर, आ जाओ आ जाओ। हमारे नाम से तुम तो पहले ही खौफजदा हो। जनाब कब हमला करेंगे, हम क्या हुक्म है? जनाब तमाम कबाइल के बहादुर सिपाही तकफूर को खत्म करने आए, आज उसका खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। वो चाहे कितने भी लोग हो, हमें सरदार के हुक्म से चारों तरफ से हमला करना है। इस दिन का तो हमें कब से इंतजार था जनाब। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं जनाब। जनाब अब मैदान हमारा है। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। बुरान जनाब, और खान और अलाउद्दीन की क्या सूरत हाल है? माफ्यूज चले गए होंगे अब तक? उन दोनों को माफ्यूज में होते हुए मोहतात रहने की जरूरत है। जनाब कबाइल से जंग के लिए आए हुए सिपाही माफ्यूज के इलाके में उनके दरमियान एक आर्चन के साथ तैनात है। जनाब उनके सिपाही तादाद में ज्यादा है और हम उन पर ऐसे हमला करो जैसे भेड़िए के सामने रेवड़। इंशाल्लाह। हम कम हैं, हम हार जाएंगे, यही तो हम चाहते हैं। चलो तीरंदाजो। मैं जानता हूं बुजदिल नहीं आएगा कमांडर, मजा लो। इजाजत हो तो फौज दिफा पर तैनात कर दी जाए। कहा था ना मैंने कि तुम उस्मान को नहीं जानते कमांडर, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फौज जब यहां लड़ने आई है तो वो जरूर लड़ेगी। उस्मान हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। आ गया है उस्मान, ढाल की दीवार बनाओ। हमला करो जल्दी। आओ देखिए उस्मान, आओ। Come on!
अब हम क्या करेंगे कमांडर मजानू? वो हर तरफ से हमला कर रहे हैं लेकिन वो कमजोर है। तुम ये नहीं जानते कि ये फौज नाकाबिले तस्खीर है कमांडर। थोड़ा सब्र रखो। सिर्फ एक चीज जो इन्हें जिंदा रख सकती है वो इनका ईमान है और ये इसे जल्द ही खो देंगे। दीवार हटाओ। हमला करो। Yeah!
तीनियों से हारना है। थोड़ा सबर करो, हम तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। थोड़ा सा सबर तक हो, थोड़ा सा सबर। पीछे हटेंगे, पीछे हट जाए। चलो आ जा। सिपाहियों घोड़े लेकर आओ। उनका ख्याल है कि हम लोग हार गए, लेकिन फतह हमारी होगी। अब कदम उठाने की बारी हमारी है। हम बाफ्यूज की तरफ रवाना होंगे यहां से। और हान साहब और अलाउद्दीन साहब, वो अब तक तो मुनज्जम हो गए होंगे जनाब। ऐसा ही है। एक दफा अपनी मर्जी की जगह पर पहुंच जाए पहले, उसके बाद इन्हें तीरों से कमजोर करेंगे। फतह हमारी होगी बस। जो लोग तुर्कों की सरजमीन पर नजर रखेंगे उनके सर काट दिए जाएंगे जनाब। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वनूर, ऐसे ही बार बार पीछे हटना जरूरी है हमारे लिए, और वो सोचेंगे कि हम लोग हार गए और हमारा ताकुब करेंगे। जो हुकुम जनाब। अख्तमूर, चलो जाओ उस तरफ जल्दी। जो हुकुम जनाब। माला और उसके साथी, आप सबके सब हमारे पीछे आते रहिए। माफ्यूज पहुंचने तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। आ जाओ। रुक जाओ। ये उस्मान की चाल हो सकती है। यहां से निशाना अलग हो रहे हैं कमांडर। अलग हो रहे हैं तो होने दो, हम नहीं रुकेंगे। अगर उस्मान घात लगाकर हमला करता है, उसके पास इस फौज से निमटने के लिए तादाद ज्यादा होनी चाहिए। आफंदी, वो जख्मी हो गया है। वो पीछे मुड़कर देखे बगैर भाग गया। फिर भी मैं उस्मान को हल्का लेना नहीं चाहता। हम जरूर जाएंगे, और वो भी इस तरफ से।